नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम आरपीएससी के द्वारा पूछे गए इतिहास क्लास संस्कृति भूगोल और साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, जो बेसिकली 2021-22 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा जो पेपर रहेगा वो तकनीकी शिक्षा कॉलेज एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, जिसमें हम इतिहास क्लास संस्कृति और भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर क्विकली रिवीजन करेंगे। ये बेसिकली ज़्यादातर वही पेपर है जिनका हमने हमारे इसी YouTube चैनल के माध्यम से पहले डिटेल में इनका एनालिसिस किया है। अब चूंकि कुछ परीक्षाएं आपके RPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर SO इत्यादि और कर्मचारी चयन बोर्ड की कुछ नज़दीकी परीक्षा है, तो उनको देखते हुए हम इनका क्विकली है वो रिविजन कर रहे हैं, जो आपके कम समय में चीज़ों को रिवाइज करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर भाग हैं, तो ये किसके भाग है? माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूणी बेसिन के या साबरमती बेसिन के? तो डेगाना, बिलाड़ा और पाली, डेगाना आपका नागौर में है, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में, और पाली की बात करें तो ये पाली जिला ही है। तो ये आपके किसके भाग है? लूणी बेसिन के भाग है। राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। इस लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो और गोडवार प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये बात आप लोगों को पता ही होगी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंढा, कांतली, बांडी और मानसी। तो सांबर झील में रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला नदियां गिरती हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सांबर झील में वह नदी जो कि सांबर झील में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा लाती है? लवण की मात्रा लाती है, नमक लाती है, वो कौन सी नदी है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर तथा उत्तर पूर्व, पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो आपका वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग ही है, और यहीं से यानी कि अरब सागरीय शाखा से सबसे अधिक जो आपका वर्षा प्राप्त करता है वो यही प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है और जिला है वो आपका झालावाड़ है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? कोतवार का पठार, मालवा का पठार, विंजन पठार और भोराट का पठार। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर, इनके मध्य जो पठारी भाग है उसको भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। विंजन के पठार की बात करें तो ये विंजन का पठार हाड़ौती के पठार का ही एक हिस्सा है। मालवा का पठार, हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा के पठार का विस्तारित रूप है, ये मध्य प्रदेश में है। और कोतवार के पठार की बात करें तो ये राजस्थान के उत्तर पूर्व भाग में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी है वो देखने को मिलती है? जोधपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और कोटा। तो लाल मृदा की अगर बात करें तो ये जो मिट्टी है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मिलती है, इसको लाल लोमी मृदा भी कहते हैं, रेड लोम सोल है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और उदयपुर के दक्षिण भाग में देखने को मिलती है। कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है? खेजड़ी, नीम, कीकर, शीशम। तो खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, जिसको 1983 में राजकीय वृक्ष का दर्जा है वो प्रदान किया। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ से चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश है वो करती है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान में माही नदी है, ये माही नदी राजस्थान के कौन से स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिनका कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा आंसर। राजस्थान के किस जिले में द्वितीय वायु प्लांट स्थापित किया गया है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और प्रतापगढ़। तो राजस्थान में दूसरा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ये प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया है, प्रतापगढ़ के देवगढ़ में। और पहला कहाँ पर किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, जैसलमेर के अमर सागर में पहला, और तीसरा किया गया था फलोदी के बीथरी में। नेक्स्ट है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? गंग नहर है, इससे गंगानगर, बीकानेर लाभान्वित होते हैं। व्यास परियोजना से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। सिद्धमुख परियोजना से पंजाब, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। और माही बजाज सागर गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सिद्धमुख नोहर जो परियोजना है ये आपकी
राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय राजधानी जो प्रदेश है ये इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए खनिजों और उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण जो विकल्प हैं उनका आपको चयन करना है। लौह अयस्क, नाथरा की पाल, तांबा खेतड़ी सिंघाना, जस्ता सीसा झावर और टंगस्टन झामर कोटड़ा। तो विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, टंगस्टन। ये आपका कौन सा प्रसिद्ध है? डेगाना प्रसिद्ध है, और एक है वालदा क्षेत्र जो कि आपका कहाँ पर है, सिरोही में है, और डेगाना नागौर, ये टंगस्टन के लिए जाने जाते हैं। झामर कोटड़ा आपका कहाँ पर है? उदयपुर में है, और ये रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा उदयपुर जाना जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नीली क्रांति से किससे संबंध रखती है? जो आपकी ब्लू रिवॉल्यूशन है वो सरसों के उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या मुर्गी अंडा पालन से? तो उसका राइट आंसर अब विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, ये आपकी फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भेड़, बागड़ी और मारवाड़ी इसकी नस्ल है, बकरी जमनापुरी और जारवाली, ऊंट गोमट और बीकानेरी, गाय हरियाणवी और मुर्रा। तो राइट आंसर हमारा 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। हरियाणवी तो चूंकि गाय की नस्ल है, लेकिन मुर्रा किसकी है? भैंस की है, इसलिए ये हमारा विकल्प है वो त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है क्या है? विकल्प एक है 211, 205, 200 या 199। तो राजस्थान का जन घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितना है? तो राजस्थान का 200 जनसंख्या घनत्व है, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जन घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है? जयपुर। और न्यूनतम है आपका जैसलमेर। कौन सा एक मृदा उपाय संरक्षण का नहीं है? यानी कि एक उपाय, एक आपका क्या है, मेथड है जो कि सॉयल कंजर्वेशन से संबंधित नहीं है। वृक्षारोपण, अफोरेस्टेशन, फसलों की हेरा फेरी यानी कि फसलों का रोटेशन है, चक्रण जिसको कहते हैं, फसल चक्र, ठीक है, अत्यधिक जलापूर्ति, ओवर वाटर वाटरिंग, ठीक है, और एनीकट का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, मृदा संरक्षण का एक उपाय है वो नहीं है। तो वृक्षारोपण करना, इससे मृदा का संरक्षण निश्चित रूप से होगा, ये भी एक इसका उपाय है। फसलों की हेरा फेरी यानी कि फसलों का चक्रण करेंगे तो ये भी होगा। किस प्रकार से होगा ये हम ऑलरेडी पिछले सेशंस में, कुछ हमारे जो सेशन हुए थे लाइव सेशन, उसमें हमने डिटेल में चर्चा भी की थी। अत्यधिक जलापूर्ति, तो यहाँ पर मृदा संरक्षण का उपाय जो आपका ओवर वाटरिंग है ये नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक जलापूर्ति जब होगी तब मृदा की है उसमें लवणीयता की मात्रा बढ़ेगी और सेम जैसी समस्या उत्पन्न होगी जैसे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में हमें देखने को मिलती है। कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? स्पेशल इकोनॉमी, जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। तो यहाँ पर स्पेशल एरिया जो आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका मतलब क्या होता है कि विशेष क्षेत्र के लिए कोई कार्यक्रम। राइट आंसर हमारा सामाजिक वानिकी योजना है, ये आपका किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, ये आपका समाज के सहयोग से वानिकी और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार की पूरे देश भर की योजना है और राजस्थान की भी है, तो इसलिए ये आपकी क्षेत्र विशेष की नहीं है। बाकी मेवात है, ये मेवात क्षेत्र विशेष के लिए है, अलवर भरतपुर के लिए, अरावली यानी कि अरावली के आसपास वाले जिलों के लिए, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये मरुस्थलीय जिलों के लिए है। नेक्स्ट है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन परियोजना जिसको CDP के नाम से जाना जाता है, ये किस वर्ष चालू की गई? 2001, 2000, 1998 या 1999। तो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीकरण से जो संघर्ष है, ये जो परियोजना शुरू की गई थी 1999 को, 1999 को ये शुरू की गई थी, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ में, नाथ द्वारा लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा, पत्थर के खिलौने गलियाकोट और चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा 3 नंबर हो जाएगा, पत्थर के खिलौने जो मेनली आपके किससे बने होते हैं,
ये सोप स्टोन से बने हुए होते हैं, ठीक है, घिया पत्थर से, और ये गलियाकोट में है, और इसी गलियाकोट को किस नाम से जाना जाता है, रमकड़ा उद्योग, यानी कि यहाँ पर जो पत्थर के खिलौने होते हैं और इन खिलौने को यानी कि बच्चों के लिए ज़्यादातर होते हैं, इनको स्थानीय भाषा में रमकड़ा कहा जाता है, इसलिए इसको रमकड़ा उद्योग भी कहा जाता है। कि कौन सा रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। अगला सवाल है कि सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण प्रबंधन के लिए विख्यात था। भीलवाड़ा जो मॉडल है ये आपका कोरोना के कंट्रोल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, तो ये कुछ पॉलिटी के सवाल आ गए, पॉलिटी का हमने मैराथन वीडियो के माध्यम से सारे सवालों को कवर किया हुआ था। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के सवालों की ओर, और पॉलिटी इकोनॉमिक्स इत्यादि जो आपके मैराथन वीडियोज इत्यादि है राजस्थान पॉलिटी का, लगभग 3 घंटे का हमने लाइव मैराथन किया था रिसेंटली, सप्ताह भर पहले, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और यूजफुल है वो रहने वाला है। तो उस वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे इस चैनल पर तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो है वो निश्चित रूप से है वो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप है वो जरूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट इत्यादि बनी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के लिए, तो इसमें आपको वो मैराथन वीडियो भी मिल जाएगा। तो अगले जो सवाल हैं उनको हम शुरू करते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, 1540, 44, 42 या 1541। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1544 को, ठीक है। किसके मध्य लड़ा गया ये आप सभी जानते हैं, जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जेता और कुंपा वर्सेज शेरशाह सूरी, यानी कि मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी, जिसमें जेता कुंपा मारे गए थे, जनवरी 1544 में यह युद्ध लड़ा गया था। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है, तो राव मालदेव, रणमल चंद्रसेन, राव जोधा। तो राव मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा है, हशमत वाला शासक कहा है। इनको 52 युद्धों का विजेता के रूप में भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ओजियाना, रंग महल, महासत्या और नलियासर। तो बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के महासत्या नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा विकल्प नंबर है वो 3 हो जाएगा, महासत्या इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था। तो ये विद्रोह है नसीराबाद से, 28 मई 1857 को प्रारंभ हुआ, और नसीराबाद ही राजस्थान में अब भी एकमात्र सैनिक छावनी है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है, कथोड़ियों, मांगणियारों, नटों या जोगियों। तो तारपी वाद्य यंत्र है इसका जो प्रयोग है वो कौन सी जाति करती है, कथोड़ी जाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एक, मांगणियार क्या बजाते हैं, कामयाचा, साकर खा मांगणियार। नट बजाते हैं आपकी मेनली जो कठपुतली इत्यादि है उनको नृत्य नट लोग करवाते हैं। और जोगियों का क्या है, मेवात के जोगी आपके भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं, बाकी जोगी सारंगी भी बजाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु जी का नाम क्या था, ख्वाजा उस्मान हारूनी। तो यही ख्वाजा गरीब नवाज के आपके क्या थे, गुरु थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आपके अजमेर में स्थित है। मोहम्मद आपका गोरी के शासनकाल में उनके साथ में ये आपके अजमेर आए थे। नेक्स्ट है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले पहले विद्वान है वो कौन थे। तो इन विद्वान का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र रूप से पहली बार विश्लेषण किया, और तो राजस्थानी भाषा को इन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसने अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा, कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंबोर और चित्तौड़। तो अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग को बख्तरबंद की संज्ञा है वो दी है, और कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने एट्रस्कन वास्तु की संज्ञा दी है, जबकि अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाएगी। सुमेलित करना है आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को, गुण भाषा, गुण रूपक, राज रूपक और सूरज प्रकाश। तो सूरज प्रकाश, गुण भाषा, गुण रूपक ये जो महत्वपूर्ण है, तो गुण भाषा है वो किसने लिखी आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए गुण भाषा की अगर बात करें तो गुण भाषा के रचयिता आपके हेम कवि थे, गुण रूपक केशवदास के द्वारा, गज गुण रूपक भी इसको कहा जाता है। राज रूपक की अगर बात करें तो ये वीरभाण के द्वारा, वीरभाण रत्नू ने राज रूपक लिखा।
और सूरज प्रकाश के लेखक वैसे तो कौन है, करणीदान कविया है, करणीदान ने सूरज प्रकाश लिखा, लेकिन इसमें क्योंकि अभय सिंह का जो विकल्प दिया गया है तो सूरज प्रकाश के संबंध में राइट इसमें अभय सिंह हो जाएगा। 3 नंबर विकल्प है इसका सही जवाब हो जाएगा गुण भाषा हेमकवि, गुण रूपक केशवदास, राज रूपक वीर भाण, सूरज प्रकाश अभय सिंह, कर्णिदान आए तो आप कर्णिदान को प्रायोरिटी देवें। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था, विद्याधर भारवी मंडन और भीम, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार मंडन था जो कुंभा के शासनकाल का प्रसिद्ध शिल्पकार था। त्रिलाल जोशी किस कला से संबंधित है, फड़ स्वांग रम्मत और नौटंकी, तो फड़ के प्रसिद्ध कलाकार हैं शाहपुरा के श्रीलाल जोशी जिनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है फड़ के चित्रांकन के लिए। पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो कब दिया गया, 1989, 1979, 1992 और 1995 सॉरी 1955। तो पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा है वो 1989 को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये जो सेशन हमने रिसेंटली है वो किया था तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पर्यटन को पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा है वो कब दिया गया, अभी रिसेंटली दिया है, और पर्यटन उद्योग जो नीति है वो भी जारी की है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन कौन सही इसका आंसर बताते हैं, आपके कमेंट को पिन भी किया जाएगा, तो ध्यानपूर्वक और सही आप कमेंट है वो करिए। रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है नरवर्मा गोहिल का, जोगेश्वर चौबीसा का, महाराजा राज सिंह का या सामंत सिंह का, तो रशिया की जो छतरी है इस पर नरवर्मा गोहिल, बप्पा रावल, काल भोज इत्यादि स्टार्टिंग के जो आपके गोहिल वंशीय शासक हैं उनका हमें नाम इसमें उल्लेखित मिलता है। नेक्स्ट है अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र है वो बनाए, तो उनका नाम था मूलचंद और उदयराम। राइट आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, टोडरमल, टेस्सी, टोरी, बांकीदास, गज सिंह, तो टोडरमल को मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता माने जाते हैं जो अकबर का वित्त मंत्री और नौ रत्नों में शामिल था। हमीर हट के लेखक कौन है, चंद्रशेखर, मालदेव, महेश और जोधराज, तो हमीर हट जो लिखा है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। महेश और जोधराज ने क्या लिखा था, हमीर रासो नामक ग्रंथ की रचना है वो की थी। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, अलवर था, भरतपुर था, करौली भी था लेकिन झालावाड़ नहीं था। नेक्स्ट है दादू पंत का प्रमुख केंद्र कहाँ है, पीपासर, अजमेर, भीनमाल, नारायणा, तो नारायणा दूदू में दादू संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और इसके पास में बेराणा की जो पहाड़ी है उस पर दादू खोल के नाम से जाना जाता है जो दादुओं का पवित्र स्थल है। देवनारायण जी का मेला, रामदेव जी का मेला, फत्ता जी का मेला और तेजा जी का मेला, ये जो मेले हैं वो कब आयोजित होते हैं ये आपको सही से सुमेलित करना है। तो देव जी का जो मेला है वो आपका कब आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, 1 में 3 हो जाएगा। रामदेव जी का मेला बाबारी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, वीर फत्ता जी का जो मेला है वो आपका कब भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, और वीर तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है जिसको तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। 1 में 3 हो जाएगा, किसमें है, इसमें ही है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे और कन्फर्म कर लेते हैं, 2 में 1 है बिल्कुल सही है, 3 में 2 है और 4 में 4 है, तो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जालौर, सिरोही, भीनमाल और आबू, तो ब्रह्मगुप्त का जो जन्म स्थली है वो कहाँ पर था, भीनमाल में था। इसके अलावा इन्होंने उज्जैन में भी काफी समय तक रहते हुए है वो कार्य किया था। नेक्स्ट है कौन सा राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, कुएं, ट्यूबवेल, नहरें और टैंक, तो वर्तमान में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो ट्यूबवेल्स हैं, नलकूप हैं, ये सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर कुएं और फिर आपका नलकूप और टांकों की टैंक की बारी आती है। नलकूप के बाद में मेनली जो पॉन्ड्स है तालाब है उनका स्थान है। मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले में स्थित है, तो मेजा बांध है जोधपुर, पाली, उदयपुर और भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो राजस्थान में थोक मूल्य जो सूचकांक है ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, 1999-2000 इसका बेस्ट ईयर है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? 928, 14, 33 और 890। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो तो कितना है, 933 है। शहरी क्षेत्र का पूछा जाए तो आप बताएंगे 914। ऑल ओवर लिंगानुपात पूछा जाए तो 928। तो ये लिंगानुपात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सभी का। आज के जो इस पेपर में प्रश्न थे उनका हमने डिस्कस किया कंप्लीटली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज जो चल रही है उस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। मात्र 280 रुपये में यह टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए अवेलेबल है। 20 टेस्ट हैं, 14 टॉपिक टेस्ट है, 6 फुल सिलेबस टेस्ट है। तो इस टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हैं और बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से एक बार पूरा सिलेबस आपका इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा और अच्छा आपका अभ्यास भी हो जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर बने। थर्ड पेपर में बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। इसके अलावा आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक विशेष जो बैच है वो 12th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस का चल रहा है, जिसमें दिव्या शर्मा जी आपको सामान्य विज्ञान बहुत ही बेसिक स्तर से लगा करके 12th स्टैंडर्ड तक बेहतरीन तरीके से तैयार करवा रहे हैं। तो आप इस बैच का भी हिस्सा जरूर बन सकते हैं। साथ ही साथ 8 जनवरी से 50 नए जिलों के अनुसार राजस्थान सामान्य ज्ञान का कंप्लीट बैच स्टार्ट होने जा रहा है हमारे ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर, जिसमें मैं आपको पूरा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, पूरा राजस्थान का भूगोल नए जिलों के अनुसार कंप्लीटली बेसिक स्तर से लगा करके पूरा एडवांस स्तर तक RS मुख्य परीक्षा के लेवल का पूरा तैयार करवाऊंगा। तो अच्छी तैयारी के लिए आप 8 जनवरी वाले इस बैच का जरूर हिस्सा बने। इसमें आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस पेपर्स सारे मिलेंगे। कंप्लीट PDF आपको इसमें अवेलेबल होगी और जो वीडियो इत्यादि हमने YouTube पर जो डाले हैं वो भी आपको एप्लीकेशन पर एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से सारे के सारे फ्री में साथ में मिल जाएंगे। 1 साल तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी और इसके साथ साथ में आपके बेहतरीन अभ्यास के लिए 40 टॉपिक टेस्ट भी आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आज आप 8 तारीख को सोमवार को ये टेस्ट सीरीज का सॉरी स्मार्ट कोर्स का नया बैच जो शुरू होगा तो उसमें आप हिस्सा बन सकते हैं और इस पर आपको विशेष डिस्काउंट भी है वो अवेलेबल हो जाएगा। अभी वैसे स्टार्टिंग के जो 50 अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम विशेष जो इसमें डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है, तो इस विशेष डिस्काउंट ऑफर का भी आप है वो हिस्सा बन सकते हैं और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो JEE की परीक्षा के लिए हमने एक विशेष बैच स्टार्ट किया है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और जो कल्चर है और पॉलिटी है वो काफ़ी हद तक इसमें 90% कवर हो गई है। राजस्थान ज्योग्राफी शेष रही है, राजस्थान हिस्ट्री है उसके जो क्लासे हैं वो चल रही हैं। तो JEE के अभ्यर्थी मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षा के लिए Part A को मजबूत करने के लिए इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या आप omdigitalstudy.com सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमसे वो जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट में जो ऐड की है, बाकी मेरा ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है कि चीज़ें आपको साथ साथ बताता हुआ समय खराब करें, लेकिन आपकी एक ध्यान के लिए, क्योंकि बार बार काफ़ी पूछते हैं कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, तो इसके लिए मैं उस पर्पज़ से आपके साथ में ये अटैच कर रहा हूँ। आपको अगर ये थोड़ा सा इरिटेट लगे हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।